नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, चील की तरह मंडरा रहा है यह आपका दुश्मन। दोस्तों, आपके साथ घूम रहा है लेकिन आप उसे पहचान नहीं पा रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत खास भी है, जो कि दोस्तों आपकी जान लेने पर भी तुला हुआ है। समय रहते हुए आप इसकी पहचान कर लीजिए, नहीं तो ये इंसान आपको जान से भी मार सकता है और आपकी जिंदगी बहुत ही बड़ी तांडव करवा सकता है। तो दोस्तों, हम आपको कहना चाहेंगे कि आपको आखिर वे कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कि हमारे पीछे पड़ा है, आपकी जान लेना चाहता है और आपके सर पर चील की तरह मंडरा रहा है यह व्यक्ति। दोस्तों, आपने कुछ नहीं बिगाड़ा है उस व्यक्ति का, लेकिन फिर भी वे आपके जीवन में संकट की तरह आ जाता है। तो दोस्तों, हमारे जीवन में ऐसे संकट क्यों आते हैं, ऐसे लोग क्यों आते हैं, इन सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। हमने इस वीडियो में आपके कार्य से लेकर उपाय तक की बात बताई है। दोस्तों, अगले 24 घंटे में आपको किन चीजों से सावधान रहना है और आपको कौन से कार्य करने हैं जिनसे आप ये अच्छे योग बनेंगे और आपके जीवन में हर एक परेशानी भी टल जाएगी और आपके जीवन में जो भी आने वाला संकट है उससे भी आपको निजात मिल जाएगी और आपको कोई भी क्षति नहीं पहुंचेगी। दोस्तों, सभी की जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। हमारा बस आपसे यही निवेदन है कि आप इसे ध्यान पूर्वक सच्चे मन से देखें। और आपको हम बताना चाहेंगे कि भगवान भोलेनाथ के जितने भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव लिखें और साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे भगवान भोलेनाथ आपके हर एक बिगड़े काम को बनाएंगे और आपके जीवन में दोस्तों खुशियां ही खुशियां लाने वाले हैं। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं एक अनमोल विचार से। तो दोस्तों, जरा ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि पिछले कुछ सालों से इस राशि के जातकों को एक ऐसा दुश्मन है जो कि बहुत सालों से आपका इंतजार कर रहा था इसी समय का। दोस्तों, ब्रह्मांड में, इस विश्व में जितनी भी राशियां हैं, समस्त राशियों में से आप ही की एक ऐसी राशि है जो इकलौती राशि है जिनके पिछले वर्ष बहुत ही ज्यादा सुखद एवं दुखद भी बीते हैं और बहुत सी मुसीबतों का आपने सामना भी किया होगा, जिसमें दोस्तों आपको कोई भी किसी भी तरह से आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाया और आप भी काल को टाल कर आगे निकल आए। दोस्तों, यह समय आपकी जो ग्रह की परिस्थिति है वो आपको यह दर्शा रही है कि दोस्तों आज रात आपको 12 बजे से कुछ लोग तांत्रिक क्रियाएं यानी कि टोटके करने वाले हैं आपकी राशि पर, आपको मारने के लिए। दोस्तों, सावधान हो जाएं। दोस्तों, आपके जीवन काल में बहुत सी बड़ी संकटें आने वाले हैं। दोस्तों, इस बार आपको जो भी संकट आने वाला है आपके ऊपर, जो मुसीबतें आने वाली हैं, तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि आपको इन संकट के बीच में ही आपकी ही गलतियां दिख रही हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहते हैं कि आपका स्वभाव चाल ढाल काफ़ी सिंपल और सीधी है। आप उतना ज़्यादा छल और कपट नहीं जानते हैं। आप बहुत जल्दी किसी के ऊपर भरोसा भी कर लेते हैं। आप दोस्तों कभी भी किसी के बारे में बुरा भी नहीं सोचते हैं और ना ही आप किसी के बारे में नीचे गिराने की सोचते हैं। दोस्तों, कुछ लोग आपको फंसाना चाहते हैं, यूं कहें तो कुछ लोग आपको तांत्रिक क्रियाओं में फंसा रहे हैं। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी अपनी बातों से आपके जीवन में कुछ ऐसी क्रियाकलाप करते भी हैं जिनसे आपको बहुत ही परेशानी झेलनी भी पड़ती है और कई परेशानी का आपको सामना भी करना पड़ता है। आप अपने निजी जीवन में काफ़ी सारे संकटों का सामना भी करना पड़ता है। दोस्तों, आपके जीवन में छिपे आपको कुछ ऐसे 3 लोग हैं जो कि आज रात 12 बजे से आपको अपने बातों के जादू में फंसाने वाले हैं। तो दोस्तों, इस बात के बारे में आपको कोई घड़ी संकट मुसीबत की साधना भी करनी पड़ सकती है। तो दोस्तों, आप आज 12 बजे को लेकर के किसी भी मित्र या फिर कहीं पर भी आप किसी के साथ में बातचीत ना करें, इससे आपकी कोई भी समस्या पूरी नहीं होगी। अगर आप किसी के भी साथ में जाकर के बात करते हैं तो आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपको 9 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में कभी किसी से बातचीत नहीं करनी है। कभी का मतलब ये नहीं कि आपको कभी भी नहीं करनी है, आप बात कर सकते हैं, लेकिन ये संकट आपके ऊपर 7 दिनों तक रह सकता है।
लेकिन दोस्तों, आप ऐसे इंसान से थोड़ा सतर्क रहें, नहीं तो वे आपको जान से मार भी सकते हैं। दोस्तों, आपसे बस ये कहना चाहेंगे कि आपके जो भी राशि के जातक हैं, आपको 3 गलतियां बताने वाले हैं। जिस दिन आप आने वाले जीवन में ये 3 गलतियां ना करेंगे तो आपके जीवन में कोई भी संकट नहीं आएगा। अगर आप इन गलतियों को अभी अगर गांठ बांध लेंगे तो दोस्तों, आप चाहे जीवन में कुछ भी कर लेंगे, लेकिन ये 3 गलतियों को जीवन में कभी भी नहीं दोहराना दोस्तों। और अगर आप इन गलती के बारे में जान लेंगे तो आप 100% आपकी गलती यह आती है कि सभी को आप अपना समझ लेते हैं, और आप अगर बहुत जल्दी किसी पर भरोसा भी कर लेते हैं और उनकी बातों में लग करके जहां मन करे आप चले जाते हैं, तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों, वो लोग आपके जान के कारक बन सकते हैं। इस राशि के जातक बहुत आदमी हैं जो कि सभी को अपना भी मानते हैं, काफ़ी अच्छा नेचर भी रखते हैं और सभी के बारे में एकता होकर के भी सोचते हैं, अपने बारे में भी सोचते हैं, लेकिन सभी के बारे में मिलजुल कर रखना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपके साथ हाँ तो कहते हैं, लेकिन उनके पेट में जो बातें चल रही हैं वे आपको जान के बारे में भी सोचते हैं। तो दोस्तों, ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर आप इन सभी को लेकर चल रहे हैं तो वहाँ पर आप कभी ना कभी कोई ना कोई आपको ऐसा आदमी ज़रूर मिलेगा जिसकी आपको हमेशा नकारात्मक सोच आपको नज़र आने वाली है, और आपको कभी भी कोई अच्छी बात नहीं नज़र आएगी उन लोगों में। लेकिन आपको अच्छी बात ये भी है कि वह आपका रिएक्शन लेगा और बीच में बोलेगा कि ये गलत बात है। तो इन सभी दोस्तों से आपको दूरी बनाकर ही रखनी चाहिए, क्योंकि वह आपके जीवन पर बहुत ही बड़ा दुश्मन है। दोस्तों, अगर हमारी ज़िंदगी में मुसीबत आए तो सभी को एक साथ रह करके झेलनी चाहिए, जिनसे समस्याओं का समाधान बहुत जल्दी हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, और वहीं ये दूसरे लोगों की सोच आपके विपरीत होती है। आपको बता दें कि आप हमेशा अपने साथियों, अपने मित्रों और अपने रिश्तेदारों के बारे में हमेशा भला चाहते हैं और हमेशा भला ही करते आ रहे हैं। उनकी मुसीबत में आप हमेशा सामने रहते हैं और हर उनकी मुसीबतों को अपनी मुसीबत समझ के उस इंसान की मुसीबत को सॉल्व भी करते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि जब तक आप उनको समस्याओं के निकाल दें, जब तक आपके साथ में वे बहुत ही अच्छे से चले से चलेंगे, लेकिन जिस दिन आप उनको अपनी समस्याओं के बारे में बताना शुरू कर देंगे तो उसी दिनों से वे आपसे दूरी बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों, आपसे हम निवेदन करते हैं कि आप ऐसे लोगों से दूर रहें। जो लोग आपके सामने अच्छा तो बनते हैं, लेकिन वे आपके पीछे अच्छे नहीं होते। आप जब उनके साथ में होते हैं आपकी बड़ाई करते हैं, लेकिन आपके तुरंत वहां से जाते ही आपकी बुराई करने लगते हैं। तो ऐसे लोगों से आप बिल्कुल ही दूर रहे, ये आपके आने वाले समय के लिए, आने वाले भविष्य के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इससे आपको किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपके ऊपर जो साया मंडरा रहा था वे भी आपसे कोसों दूर चला जाएगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।